Ben o kopsiye. Arıngöz. Arıngöz ona bici orada. Bici orada. Bici orada. Bici orada. Bici orada. Bici orada. और जो पुलिस वाले क्राउड को कंट्रोल करते हैं, रस्सियों को मैनेज करते हैं, वो या चले गए या दिखे नहीं। तो हमारे मेरी जो सिक्योरिटी डिटेल थी, उन्होंने हमें कहा कि हमें आगे नहीं चलना चाहिए। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर में है। आज उन्हें बनिहाल से अनंतनाग तक 16 किलोमीटर की यात्रा तय करनी थी, लेकिन जैसे ही टनल से यात्रा निकली, बामुश्किल 4 किलोमीटर तय हो पाई, वैसे ही यात्रा रोकनी पड़ी। दो तरह की बातें हैं। एक बात ये आ रही है कि पुलिस उन्हें उठा ले गई, और दूसरी बात ये आ रही है कि उन्होंने यात्रा रोक दी। आखिरकार क्या वजह है? सुरक्षा कारण है, अपर्याप्त सुरक्षा थी, या कोई साजिश हो रही है उनकी यात्रा को विफल करने के लिए? इस पे राहुल गांधी ने खुद ही जवाब दिया है, जरा सुनिए उनको। आज काफी बड़ा रिसेप्शन यात्रा के शुरुआत में हुआ। टनल के बाद जो पुलिस अरेंजमेंट था वो बिल्कुल कोलैप्स कर गया, और जो पुलिस वाले क्राउड को कंट्रोल करते हैं, रस्सियों को मैनेज करते हैं, वो या चले गए या दिखे नहीं। तो हमारे मेरी जो सिक्योरिटी डिटेल थी, उन्होंने हमें कहा कि हमें आगे नहीं चलना चाहिए, इसलिए हम नहीं चल पाए। एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि जो क्राउड कंट्रोल होता है, पुलिस का जो रोल होता है, उसको गारंटी करें। मुझे मालूम नहीं क्यों हुआ, बट कल और परसों ऐसा नहीं होना चाहिए। सुना आपने, वो ये कह रहे हैं कि जैसे ही वो टनल से निकली उनकी यात्रा, उसके बाद जो डोरियों के सहारे भीड़ को कंट्रोल करती है पुलिस, मैनेज करती है, अचानक वो पुलिसकर्मी गायब हो गए। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन डोरियों को थामा। राहुल गांधी यात्रा में नहीं गए, लेकिन बाकी जो कार्यकर्ता चल रहे थे, उन्होंने अपनी 16 किलोमीटर की यात्रा पूरी की। अब सवाल ये है, कांग्रेस पहले से आरोप लगाती रही कि राहुल गांधी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उन्हें पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी जा रही है। क्या जम्मू कश्मीर की जो यात्रा है, वो उसमें सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे? क्या कहना है इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस का? तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक के बाद एक जो है 3 ट्वीट किए हैं, और उसका कहना यह है कि ये यात्रा बिना उससे बातचीत किए रोकी गई, और जिनको वो जाने दे रहे थे, राहुल गांधी के साथ यात्रा में चल रहे थे, सुरक्षा कारणों से सबकी फ्रिस्किंग हो रही थी, प्रॉपर जांच के बाद ही उनको जाने दिया जा रहा था, लेकिन अचानक भीड़ बढ़ गई और जो आयोजक हैं उन्होंने इस बाबत पुलिस से कोई बातचीत नहीं की, यही वजह हो सकती है यात्रा रुकने की। अदरवाइज जम्मू कश्मीर पुलिस ने उनकी सुरक्षा में कोई भी लैप्स नहीं किया है, कोई कोताही नहीं की है, ये कहना है जम्मू कश्मीर पुलिस का। जबकि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मैं नहीं बता सकता कि आखिरकार वो पुलिसकर्मी कहाँ चले गए जो डोर थामे रहते हैं और भीड़ को मैनेज करते हैं, चले गए, क्या हुआ, मैं कुछ नहीं बता सकता। तो अभी राहुल गांधी की 3 दिन की यात्रा चलनी है, कुल 3500 किलोमीटर की ये यात्रा है। कन्याकुमारी से चली थी, कश्मीर तक पहुंच गई है। कश्मीर में श्रीनगर में पीसीसी के दफ्तर में 30 जनवरी को जो है ये यात्रा संपन्न होनी है, जिसमें कि 13 दलों के नेता शामिल होंगे और एक बड़ा सा आयोजन होना है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने पूरे घटनाक्रम को बताया है, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, और जो जम्मू कश्मीर पुलिस बता रही है, दोनों में काफ़ी अंतर है। अब देखने वाली बात यह है कि कल जब यात्रा शुरू होती है तो क्या सुरक्षा के समुचित इंतजाम होते हैं, कांग्रेस और राहुल गांधी उससे सेटिस्फाइड होते हैं, या यात्रा में कितने किलोमीटर तक राहुल गांधी भाग लेते हैं, क्योंकि कश्मीर का जो इलाका है, इसमें कोई दो राय नहीं कि उसमें सुरक्षा को खतरे हैं। अब ये जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों को तय करना है कि कितने लोग साथ जाएंगे और कहां तक जाएंगे, इस पर हमारी नज़र रहेगी। जैसे अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रजन बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।